हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 2 के हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कोयल। तो ये एक कविता है, आइए शुरू करते हैं। कोयल और कौवा दोनों का रंग काला होता है, लेकिन कोयल की बोली कड़वी और कोयल की मधुर होती है। इस कविता में कोयल का वर्णन बहुत अच्छी तरह किया गया है, आइए पढ़ें। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो, तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है और ये बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कुछ ये लाल रंग से जो शब्द लिखे गए हैं इनके मतलब नीचे बताए गए हैं। जैसे मिश्री, मिश्री होती है चीनी की छोटे छोटे डली होती है, और कोयल की बोली की तुलना मिश्री से की गई है कि वो इतनी मीठी होती है कि जैसे मिश्री की मिठास हो। संदेशा, अब ये संदेशा का क्या मतलब है? संदेशा का मतलब होता है समाचार या सूचना। अगला क्या है? मेघ। अब मेघ क्या होते हैं? मेघ होते हैं बादल, ठीक है। चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं कुछ और भी है क्या इसमें। श्रवण कौशल, अब श्रवण कौशल में देखिए क्या है। श्रवण कौशल के प्रश्न उत्तर को हल करने के लिए हमें इस किताब के अंत में कुछ सेक्शन दिए गए हैं, वहां जा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कोयल, श्रवण कौशल के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम इस कविता को पढ़कर ही उनके उत्तर दे पाएंगे। चिड़िया के थे बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को जाए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। चिड़िया के कितने बच्चे थे? आपने अभी पीछे पढ़ा कविता में, चिड़िया के चार बच्चे थे। देखिए पहली ही लाइन में चिड़िया के थे बच्चे चार। दूसरा देखिए, चिड़िया के बच्चे कैसे घर से निकले? तो यहाँ चिड़िया के बच्चे कैसे निकले थे? घर से निकले पंख पसार, तो चिड़िया के बच्चे पंख पसार कर घर से निकले थे, ठीक है। अगला देखिए, चिड़िया के बच्चे किसके दिशा में गए? चिड़िया के बच्चे कहाँ से गए? पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को जाए। तो चिड़िया के बच्चे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में गए। चिड़िया के बच्चों ने क्या देख लिया था? तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा था? सबसे लास्ट वाली लाइन से ऊपर देखिए, देख लिया हमने जग सारा। तो चिड़िया के बच्चों ने सारा जग देख लिया था। चिड़िया के बच्चों को सबसे प्यारा क्या लगता है? तो अपना घर सबसे प्यारा लगता है। लास्ट पंक्ति देखिए, अपना घर है सबसे प्यारा, तो चिड़िया के बच्चों को अपना घर सबसे प्यारा लगता था। खा भाग देखिए इस श्रवण कौशल के प्रश्न उत्तरों में। कविता दोबारा सुनकर खाली स्थान भरिए। तो कविता आपने अभी पढ़ी ली है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। पूरब से पश्चिम को आए, तो यहाँ पश्चिम भर देना है आपको, और डैश से दक्षिण को जाएं, उत्तर से दक्षिण को जाएं, तो यहाँ आपको उत्तर भर देना है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यहाँ पश्चिम भरना है आपको। देख लिया हमने जग सारा, तो यहाँ जग भरना है आपको। अपना डैश है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा, तो यहाँ घर भर देना है आपको, ठीक है। अगला देखिए, वार्तालाप। कोयल ने मीठी बोली अपनी माँ से पाई है, बताइए उसने अपनी माँ से क्या क्या पाया है। तो इस कविता में आपने, कोयल वाली जो कविता आपने पढ़ी है उसमें कहा गया है कि उसने मीठी बोली अपनी माँ से पाई है, तो आप बताइए माँ से उसने और क्या क्या पाया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली सिखलाई है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने सिखाया है, और सबसे मीठा बोलो ये भी तुम्हें बताया है। तो ये चार चीजें उसने माँ से सीखी। तो कोयल की माँ ने उसे मीठी बोली, डाल डाल पर उड़ना गाना सिखाया है, और सबसे मीठा बोलो ये भी उसकी माँ ने उसे सिखाया है। अगला देखिए, कवित्री कहती हैं कि कोयल ने आमों में मिश्री घोली है, तो बताइए क्या सचमुच कोयल आमों को मीठा कर सकती है? आपने कितने प्रकार के आम खाए हैं? तो इस कविता में कवित्री ने कहा है कि कोयल ने आमों में मिश्री घोली है, मतलब आमों की मिठास कोयल ने ही उसमें डाली है। तो आपको क्या लगता है? आप अपना उत्तर चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपको ये भी बताना है कि आपने कितने प्रकार के आम खाए हैं।
पठन कौशल देख लेते हैं। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोयल कहाँ पर है? कोयल आम के पेड़ पर है, इस कविता में आपने पढ़ा था। कोयल कूकर क्या करती है? कोयल मधुर गीत गाती है। और कोयल ने मीठी बोली कहाँ से पाई है? उसने मीठी बोली अपनी माँ से पाई है। कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहते हैं? कोयल को उसकी मीठी बोली के कारण ही चिड़ियों की रानी कहा गया है। अगले पेज पर देख लेते हैं। लेखन कौशल। कोयल का रंग काला और बोली मीठी होती है। कुछ और पक्षियों के नाम, रंग और उनकी आवाज़ लिखिए। तोता एक पक्षी हो गया, तोता। तोते का रंग हरा होता है और उसकी आवाज़ टैं टैं होती है। चिड़िया, चिड़िया का रंग होता है भूरा और उसकी ची ची आवाज़ होती है। कौवा, कौवे का रंग काला होता है और काएँ काएँ होती है उसकी आवाज़। कबूतर, उसका सलेटी कलर होता है कबूतर का, ग्रे कलर, और गुटर गू करता है वो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोयल प्यासी धरती के लिए मेघों से पानी क्यों मांगती है? तो ये आपको अपना सोच के बताना है। कोयल ने अपनी माँ की कौन सी बात मानी है और क्यों? तो आप बताइए, कोयल ने अपनी माँ की कौन सी बात मानी है? कविता में बताया गया था अपनी माँ की सारी बातें मानी हैं, कि मीठा बोलना और हाथ डाल डाल पर उड़ना गाना है ना, और मीठी बोली, ये सब सिखलाया है, सारी बातें मानी हैं। शब्द ज्ञान देख लेते हैं। चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं शब्द ज्ञान। जानवरों का मिलान उनकी आवाज़ों के साथ कीजिए। पहला देखिए, बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। तो आपको पहले वाले को म्याऊं म्याऊं से मैच करना है। शेर कैसे बोलता है? दहाड़ता है शेर, तो शेर को दहाड़ने से मिलाना है। बकरी कैसे बोलती है? मैं करती है, तो ये मिमियाना होता है, इसको बकरी को आपको इससे मैच करना है। गाय कैसे बोलती है? रंभाती है, तो गाय को रंभाने से जोड़ना है। डॉगी कैसे बोलता है? भौं भौं, भौंकना, इसको भौंकने से जोड़ना है। अगला देखिए, बेमेल शब्द पर गोल घेरा बनाइए। तो ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, अपनी श्रेणी में जो भी आपको बेमेल शब्द लग रहा है उसको आपको गोला लगाना है। दिशा, अब पहले वाले में दिशाएं हैं सारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पर्वत, इसका बेमेल है, तो इसको सर्कल बना देना है आपको। अगला देखिए, पक्षी, कोयल, तोता, मैना, गधा और मोर। तो गधा पशु है, बाकी सारे पक्षी हैं, तो गधा को आपको सर्कल कर देना है। फल देखिए, पालक, अमरूद, सेब, अंगूर और आम। तो पालक जो है हमारा फल नहीं, सब्जी में आता है, तो पालक को आपको सर्कल कर देना है। अगला देखिए, स्थान, आगरा, दिल्ली, मैसूर, लोनावला और अलमारी। तो अलमारी जो है स्थान का नाम नहीं है, वो वस्तु का नाम है, तो अलमारी को सर्कल बना दीजिए। वस्तुएँ, अब वस्तुएँ देखिए आप, गिलास, चाबी, पेंसिल, मुंबई और पुस्तक। तो मुंबई जो है वो शहर का नाम है, जगह का नाम है, तो मुंबई को सर्कल करना है। भाषा कौशल में देख लीजिए। कविता में से ढूंढ कर दिए गए शब्दों के समतुकांत शब्द लिखिए। तो कविता में से कुछ शब्द दिए हैं, उनके समतुकांत शब्द लिखने हैं। बोली, घोली, पानी, रानी, लाई, आई, सिखाया, बताया। अगले पेज पर देख लेते हैं। दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, हिरण, हिरनी, बाघ, बाघिन, बंदर, बंदरिया, माली, मालिन, भाई, बहन, लड़की, लड़का। हमें पहचानो और नाम बताओ। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्ची खाता हूँ, ये क्या है? तोता। ठीक है, अगला देखिए, सूप जैसी कान है, मोटे मोटे पांव हैं, लंबे लंबे दांत हैं, तो ये क्या होता है? हाथी, उसके कान कितने बड़े बड़े होते हैं। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, ये क्या है? चूहा। अगला देखिए, सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ, ये क्या है? मोर। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, कोयल पक्षी के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा कीजिए और लिखिए। तो आपको कोयल के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करके यहाँ लिखनी है। ठीक है, आगे देखिए, जीवन कौशल में क्या है। अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और बताइए कि यदि हम हमेशा मीठा बोलें और अपने अभिभावकों व अपने शिक्षकों का कहना मानें तो उसके क्या क्या अच्छे प्रभाव होंगे। तो आपको यहाँ पर दो तीन वाक्य लिखने हैं कि मीठा बोलने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।